हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं आज द एड्रेनलिन। अगर आपको प्योर बेयर फुट सेंसेशन चाहिए तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए आंजा एड्रेनलिन। ठीक है, जो अपर मटेरियल है बना हुआ है पीयू सिंथेटिक अपर मटेरियल से, यानी कि पॉलीयुरेथेन सिंथेटिक अपर से। तो इसका जो अपर मटेरियल है आपको प्योर बेयर फुट सेंसेशन देता है। ठीक है, जो अपर मटेरियल है काफ़ी अच्छा है, खराब नहीं बनाया। ठीक है, बेयर फुट का मतलब ये नहीं कि चीप क्वालिटी का इसमें यूज़ किया गया है मटेरियल, काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। आप इसका देख रहे हैं जो स्ट्रेट पैटर्न में बना हुआ है TPU से, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन स्ट्रेट पैटर्न आप देख रहे हैं, काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आंजा के फुटबॉल शूज़ काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। आंजा के फुटबॉल शूज़ का बहुत ही लाइट वेट फुटबॉल शू है, ये काफ़ी लाइट वेट आपके लिए रहेगा। तो अगर आपको बेयर फुट चाहिए तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे जो उसका इंसोल है ये भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। ठीक है, अच्छा इसमें इंसोल यूज़ किया गया है। उसके बाद बात करें इसे कौन कौन पहन सकता है, तो चाहे आप नॉर्मल फुट हो, वाइड फुट हो, ठीक है, नैरो फुटेड प्लेयर्स हो, कोई भी इसे इजीली पहन सकता है। तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज है ये कि कोई भी प्लेयर इसे पहन सकता है। साथ में इसे आप किसी भी ग्राउंड में इजीली यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हार्ड ग्राउंड हो, मड ग्राउंड हो, आर्टिफिशियल ग्राउंड हो, ठीक है, किसी भी ग्राउंड में इजीली चल जाएगा। बहुत अच्छा इसमें जो इसका स्टड पैटर्न है काफ़ी अच्छा इसमें बनाया गया है। ठीक है, ताकि किसी भी ग्राउंड में इजीली चल जाए। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो इसका बस एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये कि इसका जो यहाँ पे जो क्लॉथिंग मेस है अच्छा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये अनकंफर्टेबल है। ठीक है, फिटिंग वाइज थोड़ा सा यहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, मतलब हल्का सा आपको लूज यहाँ पे फील हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है प्लेयर टू प्लेयर, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर पर्सन का, हर प्लेयर का जो फुट है अलग अलग होता है, अलग अलग साइज होता है फुट का। तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे इस जगह पे और जितने भी आंसर के फुटबॉल शूज़ हैं मैंने उनमें ट्राई किया है, तो उस पर मेरा फिटिंग जो है एंकल का, हील का अच्छा था, लेकिन इस पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि फिटिंग जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का मुझे लूज लगा इसके इस एरिया में। ठीक है, हो सकता है कि आपका भी ये इशू रहे, तो इसको कैसे ठीक करना है बता दूँ। ठीक करने के लिए आप या फिर दो सॉक्स पहन लीजिए, एक सॉक्स के ऊपर एक और सॉक्स पहन लीजिए, या फिर अगर आप क्रेप बैंडेज यूज़ करते हैं तो आपको इशू नहीं होगा। अगर आप क्रेप बैंडेज यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है फिटिंग जो है परफेक्टली बैठ जाएगा, तो आपको जो हील में, एंकल में कुछ भी चांसेस इंजरी होने के नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये स्टेबिलिटी और बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होगा, तो उसके वजह से आपका जो स्टेबिलिटी और बैलेंस है इस फुटबॉल शू में थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग सकता है। लेकिन अगर आप क्रेप बैंडेज यूज़ करते हैं तो आपका वो जो बैलेंस है, जो प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगा वो बैलेंस का, स्टेबिलिटी का, वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको ढीला हो रहा है यहाँ पे, अगर आप इसे बाय करते हैं तो आप यहाँ पे क्रेप बैंडेज या फिर डबल सॉक्स का यूज़ करिए, आपको ये अच्छा फिटिंग हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा फुटबॉल शू है। बात करते हैं कहाँ से बाय कर सकते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट परचेज में 100 रुपीज़ का ऑफ मिलता है। साथ में अगर आपकी रेफरेंस से कोई बाय करता है तो वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का बोनस मिलता है, 50 रुपीज़ का आपको कूपन कोड मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर डील्स है एक प्लेयर के लिए। और जो फुटबॉल किट सब पे वो आंजा के ओरिजिनल फुटबॉल शूज़ सेल करते हैं। ठीक है, ऐसे आंजा के बहुत सारे चीप क्वालिटी फुटबॉल शूज़ भी आते हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं, तो प्लीज़ सही जगह से आप बाय करिए। और COD भी आपको मिल रहा है 150 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़ का, वो चार्जेस एडवांस लेते हैं, कन्फर्मेशन चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस वो देते हैं, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं COD में। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं प्रीपेड में बाय करता हूँ। प्रीपेड में क्या होता है कि 100 या फिर 150 रुपीज़ जो है मेरा बच जाता है। ठीक है, मुझे पता है कि वो ओरिजिनल जेन्युइन साइट है, वहाँ से ऐसे ही अच्छे फुटबॉल शूज़ आएंगे, और मैं साथ में उनके काम करता हूँ, मैं उनका पार्टनर हूँ फुटबॉल किट सबका, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, मैं एश्योर करता हूँ। तो अगर आप प्रीपेड बाय करते हैं तो आपका 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ बच जाता है, तो आपको तो पता नहीं लेकिन मुझे 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ अगर बचता है तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, 100 रुपीज़ एक मेरे लिए तो बहुत है। तो अगर आपको COD चाहिए COD ले लो, अगर COD नहीं चाहिए, अगर पैसे बचाने हैं 100 रुपये बच जाएंगे आपके, प्रीपेड ले लो। ठीक है, इशू नहीं आएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा, एकदम ओरिजिनल शूज़ आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी आपको इशू होता है तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप जाके सारे प्रॉब्लम्स आपके वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं, और मिलते हैं इस वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।